खबर है विस्तार से। भारत के पहले नागरिक और देश के सर्वोच्च पद के लिए 13वें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर गत दिवस 19 जुलाई को डाली गई वोटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने भाजपा के पीए संगमा को हरा दिया। प्रणब मुखर्जी को 69% और पीए संगमा को 31% वोट मिले हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 12 राष्ट्रपतियों के चुनावों में 10 राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के बने हैं और आज नतीजे आने के बाद रायसीना हिल के नए महामहिम होंगे प्रणब मुखर्जी। 19 जुलाई को हुए भारत के 13वें राष्ट्रपति के चुनावों के नतीजे आने के साथ ही कयासों का दौर भी खत्म हुआ और यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने अपने सख्त विरोधी माने जाते एनडीए के उम्मीदवार पीए संगमा को मात दी। बता दें कि प्रणब मुखर्जी को कुल 7,13,555 वोट मिली, जबकि एनडीए के उम्मीदवार पीए संगमा को कुल 3,16,163 वोटें मिली। शुरू से ही इन चुनावों में प्रणब मुखर्जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था और जैसे ही नतीजे घोषित किए गए तो यूपीए के खेमे में जश्न का माहौल बन गया और प्रणब मुखर्जी के समर्थकों की ओर से जश्न मनाने शुरू कर दिए गए। वर्णनीय है कि प्रणब मुखर्जी को केवल यूपीए ही नहीं बल्कि और भी कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल था, जिसने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनसे पहले महामहिम की गद्दी पर विराजमान शख्सियतों में सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। उनके बाद क्रम पर डॉक्टर राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967, डॉक्टर साकिर हुसैन 13 मई 1967 से 13 मई 1969, श्री वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, डॉक्टर नीलम एस रेड्डी 24 जुलाई 1977 से 24 जुलाई 1982, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987, आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997, श्री के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 और अब 13वें राष्ट्रपति के तौर पर महामहिम की गति पर विराजमान होंगे यूपीए के प्रणब मुखर्जी। वो छोटी सी है ना उसके अंदर। बहुत पुराने कुलीग हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं इंदिरा जी के साथ और बहुत खुशी की बात, देश के लिए बड़ी अच्छी। आइए डालते हैं एक नजर 13वें राष्ट्रपति के जीवन और राजनीतिक सफर पर। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के गांव मराती में हुआ। प्रणब मुखर्जी ने एमए इंग्लिश और हिस्ट्री के अलावा सूरी विद्यासागर कॉलेज से एलएलबी पास की और उनका विवाह 13 जुलाई 1957 को सुभाष मुखर्जी के साथ हुआ। प्रणब मुखर्जी के परिवार में उनके दो बेटे और एक बेटी भी हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1969 से की और 1973 में उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजनीति में अपने पैर और मजबूत किए। इसके बाद 1990 में तब रहे प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने 1995 से 96 तक श्री राव के कैबिनेट में विदेश मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान की। 2009 से 2012 तक वह मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे।
अपने राजनीतिक सफर में कई बार उन्हें विरोधियों की आलोचनाओं का शिकार भी बनना पड़ा, लेकिन कई बार उन्होंने संकट मोचन की तरह अपनी पार्टी को संकट की स्थिति से भी उभारा। मुखर्जी को इस दौरान कई सम्मान भी मिले। 1984 में यूरोमनी मैगजीन की ओर से उन्हें दुनिया का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर करार दिया गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के रोजाना अखबार इमर्जिंग मार्केट्स की ओर से उन्हें 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के सम्मान के साथ सम्मानित किया गया और 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भाव पद्म विभूषण के साथ सम्मानित किया गया। इस तरह रायसीना मिल्स के नए महामहिम बनेंगे प्रणब मुखर्जी और 25 जुलाई को लेंगे नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ। बता दें कि प्रणब मुखर्जी को कुल 69% और पीएस संगमा को कुल 31% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों का धन्यवाद भी किया। चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।